थी, फलस्तीनियों के लिए पेश की गई थी। मुल्क पाकिस्तान बन रहा था, हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बरहमन साम्राज्य से लड़ रहे थे, हम अपने लिए अलग मुल्क लेना चाहते थे, लेकिन हम नजरियाती थे, कायदे आजम नजरियाती थे। अक़वाम ने किया है मशरिक़े वुस्ता के क़ल्ब में एक नासूर पैदा करने की कोशिश की है। और बालफ़र डिक्लेरेशन 1917 में जब यह कहा गया कि सहूनियों को, यहूदियों को एक रियासत यहां बनाने का हक हासिल है, तो कायदे आजम ने उस वक्त भी मुखालिफत की थी। और 1940 की करारदाद पाकिस्तान के मौके पर भी इस अमल की मुखालिफत की गई। कायदे आजम ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा था मगरिब का, कायदे आजम ने इसराइल को इललेजिटिमेट कहा था। काकर साहब, तुम्हें कायदे आजम के अफकार का नहीं पता, पाकिस्तान के स्टेट के स्टेटमेंट का नहीं पता, उसके कोई अमरीकी और इसराइली एजेंट हम कबूल नहीं करेंगे जो दो रियासती हल की बात करेगा। रियासत एक है, फलस्तीन है, इसराइल नापाक वजूद है, जब तक नहीं मिटेगा मुजाहमत जारी रहेगी और मुजाहमत की हिमायत भी जारी रहेगी। हैसियत से खड़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, मैं उनसे नाला हूँ जिस तरह आप सब नाला। कम से कम आवाज़ तो और ज़ोर से बुलंद करनी चाहिए, इतना तो हक था हमारा। चले माना कि हम मजबूर हैं और अपने ईमान में बहुत कमज़ोर, अगर ईमान किसी को देखना है तो जाके फिलिस्तीनियों से देखे और सीखे। ये है ईमान के अपने हाथ से डॉक्टर देखता है कि उसका बच्चा शहीद हो गया है, वो उसको देखता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, उसके लिए शहादत की दुआ करता है और जाके दूसरे मरीजों की खिदमत शुरू कर देता है। आपने कभी देखा है ऐसा जज्बा? मैंने तो नहीं देखा। और इस ईमान का सोच की बात है कि जहां इंसानियत पे जुल्म हो रहा हो, वहां दूसरी जगहों पे किस किस किस्म के फंक्शंस हो रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अफसोस की बात है। कम से कम ये मैं जानता हूं कि अगर हम निकलेंगे नहीं और